गुजरात के वडोदरा के सीमावर्ती इलाके उंडेरा में प्राथमिक सुविधाओं का अभाव है। करीब 3-4 साल पहले उंडेरा को कॉरपोरेशन में शामिल किया गया है, लेकिन कॉरपोरेशन द्वारा यहां बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। यहां सड़क के अभाव में ग्रामीण आवाजाही में परेशानी का सामना कर रहे हैं। टू व्हीलर ही नहीं फोर व्हीलर को भी यहां आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां स्ट्रीट लाइट नहीं होने से रात में भी आवाजाही में परेशानी होती है। यहां बरसाती कांस के चलते गंदगी और मच्छर से भी लोग परेशान हैं। ऐसे में यहां के आक्रोशित लोगों ने आम आदमी पार्टी के नेता वीरेन रामी की अगुवाई में हाथों में पोस्टर के साथ रैली निकालकर न्याय मांगा। उंडेरा विस्तार में अभी हम खड़े हैं और यहाँ पर कम से कम 10 से 12 सोसाइटी है। वो सारे लोगों को आने जाने का रास्ता यहाँ पीछे देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, पीछे भी देख सकते हो, सब जगह पर खड्डे हैं। 3 आने जाने वाले रास्ते हैं, सारे रास्ते खोद रखे हैं। कम से कम पिछले 6 से 8 महीने से काम चल रहा है, बट वो बहुत ही ज्यादा कम स्लो गति से चल रहा है और काम करने के बाद रास्ते सही नहीं हो रहे। पूरा मानसून और चौमासे के दौरान हम लोग ऐसे खराब रास्ते पर चले हैं। कम से कम 1000 फैमिली है, सारे लोगों को यहाँ पर दिक्कत होती है। यहाँ पर सारे कॉर्पोरेटरों को हमने बार बार बुला के भी सब दिखाया है, बट उसके बाद भी कोई भी उसमें सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। इसलिए आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और हमने आगे भी जाने के लिए जा रहे हैं। ये विकास सप्ताह में सिर्फ बड़ौदा सिटी एरिया में ही काम हो ऐसा नहीं सोचते। जब एक रात या एक सप्ताह में पूरे बड़ौदा के रास्ते बन सकते हैं, तो फिर ये रास्ते क्यों नहीं कोई देखने आ रहा है? ये रास्ते कौन बनाएगा? अगर विकास करना है तो सारे जगह विकास करो, सिर्फ जहां पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री या फिर माननीय वड़ा प्रधान आ रहे वही रास्ते क्यों अच्छे हो रहे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री को बोलना पड़ता है मीटिंग में कि सिर्फ नेता आए तभी रास्ते बनाना वो जरूरी नहीं है। यही काम हम 4 साल से अगर ये उंडेरा को कॉरपोरेशन में लिया गया है तो कॉरपोरेशन को आकर उसकी रास्ते बनाना, पानी की लाइन देना या फिर स्ट्रीट लाइट देना, वो कोई भी काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर ओपन कैनाल है, वो सालों से बंद करने के लिए बातचीत हो रही है, लेकिन उसके लिए भी कुछ आगे चल नहीं रहा है। हमें अहिया एवं तकलीफ है कि तुम्हें प्लीज अहिया रास्ता नो ठीक करो, कई केम के जो एक्सीडेंट बहुत थाय छे अहिया नाना नाना छो अहिया वैन पण पड़ी गई होतो अहिया गटर में, तुम्हें वरसाद थाय ना तो बधुं सेमज थई जाय, ना गटर ना रस्ता कई खबर ज नहीं पड़ती, एक लग नुं पाणी थई जाय, अमने केटलुं तकलीफ थाय छे। रात रात ने मोड़ी रात अहिया थी आव्या ने तो अमे पण बहु रिस्क लागे छे अहिया थी। બમ્પર બનાવી નાખ્યું ત્યાંથી અમારે કેટલું તકલીફ છે, ત્યાંથી નાના નાના છોકરાને પણ અમે કેવી રીતે લઈને જઈએ, નાના છોકરાને પણ નહીં લેવા જવું, અમે બહુ તકલીફ થાય છે અહીંયા સાંભળવું પડે, એક્શન લો, અમે કઈ નહીં જોતો, અમે ખાલી એક્શન જોઈએ છે, એક્શન લો અહીંયા આવીને જો મોદી સર ને કહો અહીંયા આવીને જો મેઈન રોડ પર, મેઈન રોડ માં તો બધું સારું છે, અહીંયા નહીં કરો, અહીંયા આવીને જો તમે એવું કરો તમે, ના ના બરોબર છે, હવે રસ્તો જોઈએ, હવે રસ્તો જોઈએ, રસ્તો જ વાત છે, રસ્તો જોઈએ, એથી બરોબર રસ્તો જોઈએ, એવું નહીં કે ખાડો પૂરી દીધો ને કરી દે, ના બરોબર બરોબર સારી રીતે બરોબર રસ્તો જોઈએ, બરોબર ખાડો પૂરો આવે રસ્તો यहाँ के नेता हमारे राजस्थान में आके थे भाषणों में कहते थे कि हमारे गुजरात का विकास आके देखो, यही विकास है क्या आपका विकास? हमारे राजस्थान में आके बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि हम राजस्थान में, मीडिया बंधु ने पूछा आपको पता कैसे लगे हम राजस्थान में घुस गए, तो उन्होंने नेताओं ने कहा गुजरात वालों ने कि जैसे ही हम गुजरात से राजस्थान में घुसे हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक गड्ढों में कूदने लग गई, तब हमें पता चल गया कि हम राजस्थान में घुस गए। लेकिन आपका ना घर का तो देख लो गुजरात की क्या स्थिति है। वडोदरा महानगर पालिका इलेक्शन वार्ड नंबर 9 में आए गए उंडेरा गांव के आसपास की सभी सोसाइटी में 10 साल से ना तो पानी की सुविधा है, ना ड्रेनेज की सुविधा है और ना रास्ते की सुविधा है। बार बार यहां के लोगों ने चुने हुए प्रतिनिधियों को और वहीवटी पार्क को इन्फॉर्म किया है कि यहाँ पर रास्ता किया जाए, यहाँ पर एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं आ सके, ऐसा रास्ता अभी आज की तारीख में है। बार बार रजूआत करने के बाद भी अगर नहीं हुआ तो आज की तारीख में सब लोग ने ये विनाश ये विकास सप्ताह, ये जो भारतीय जनता पार्टी 23 साल का उजरी है उनके सामने ये लोग विनाश सप्ताह की ये मुहिम चला रहे कि अभी विनाश कैसे हो रहा है, ये यहाँ पर आके माननीय मुख्यमंत्री से देखे।